जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी चंगे भले होंगे, फैट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे। यहाँ पे हम रेडी हो चुके थे बाहर आने के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आए थे जिना पार्क, आए थे तो रेडी शेडी हो गए थे, उधर कर आ गए थे। और काफ़ी ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली यहाँ जिना पार्क आए। यहाँ पे टिकट थे कुछ 60 रुपये के करीब अंदर जाने के, और जो थे बस यही था। तो हम लोग अंदर आ गए, और ये जो पार्क है माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा पार्क है कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ख़त्म ही नहीं होता। तो पापा ने कहा जाओ बच्चों, जी लो अपनी ज़िंदगी, हम जा रहे हैं साइड पे, तुम दोनों जाओ जहाँ घूमना है घूमो, सुमो मौज उड़ाओ। तो हमने कहा चले चलते हैं, करते हैं फ़ोटोशूट वगैरह। सबसे पहले सामने चलते हैं, ये सामने दिख रहा था, हम इधर जा रहे थे। लग रहा है आपको? अच्छा है ना, सर्दी नहीं लगेगी। अब अगर इतना स्लो चलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो हम थक गए। तो करते हैं फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को, और जल्दी जल्दी चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे, जल्दी। पिक्चर्स वगैरह जो क्लिक करे थे वो नहीं दिखाऊंगी इसमें, मैं आपको बस वो वीडियो जो जो दिखा सकती हूँ वो दिखाऊंगी, पूरा पार्क दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ जाकर दिखाऊंगी। ये पूरा बड़ा था, ये सारे साइड में कमरे ही कमरे कमरे ही कमरे कमरे ही कमरे थे। सामने वाला गेट बंद था इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। ये मॉर्निंग में खुला हुआ होता है, हम लोग आफ्टरनून में आए थे, तो हम लोग वहीं पर खड़े होकर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेंगे। अब आपको ये ओवरऑल व्यू दिखा देती हूँ मैं तो पूरा, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ ये इशारा कर रहे हैं। यहाँ के जो ट्री थे, दरख्त इतने कोई बड़े बड़े थे साइज़ में, दरख्त नॉर्मल भी होते हैं काफ़ी सारे बाहर के, वो इतने बड़े नहीं थे। स्पेशली यहाँ के जो थे वो बहुत बहुत पुराने थे और बहुत बहुत बड़े दरख्त हैं। तो वहाँ पे भी हमने खड़े होकर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। अब ये सामने वाले दरख्त देख लें, इतना कोई बड़ा है, हम छोटे छोटे से लग रहे हैं इसके सामने। तो हम यहाँ पे हमने पिक्चर क्लिक कर ली थी, तो अब यहाँ से हम आराम आराम से नीचे उतर रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे चल पड़े आगे चल पड़े, आगे पापा भी खड़े हुए थे बहुत दूर के करीब कहीं, तो हम भी वहाँ जा रहे थे। और हमने सोचा चले अब उधर जाके वहाँ पे भी पिक्चर क्लिक वगैरह कर लेते हैं। और अब हम आनी शुरू, हमें मोबाइल में भी आना है साथ। ओके अच्छा, ये तो जगह बंद नहीं हुई ना, अंदर आगे भी वो जो है जाने की पूरी जगह है, आप जा सकते हो। मजार वगैरह है, ये देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं हम दोनों। अब नहीं अच्छे अच्छे नहीं आएंगे। तो ये अभी यही बता रहे थे कि जो पीछे जो गेट बंद किया हुआ है, इसके पीछे भी जाने की बहुत बड़ी जगह है, हम लोग लेट आए हैं, दैट्स व्हाई बंद हो चुकी है। तो अब हम आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये आ गया एक और गेट, जिसको क्रॉस करके एक और आएगा, आगे टॉम होगा जहांगीर का, तो वहाँ भी जाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा था व्यू। तो यहाँ पे अभी बैठेंगे और तीन चार पाँच छः पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे, इसमें से जो अच्छी आएगी वो लगाएंगे। वैसे ये इतनी पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाते, मैं ही लगाती हूँ, मैंने ही वो कहा था कि पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लें, इन्हें तो इतनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने का शौक भी नहीं है। खैर चलिए, तो आगे चल रहे हैं, बस मैं बोल रही थी यहाँ पे भी खड़े होकर पिक्चर क्लिक करवा लें, तो रहने वाला नहीं, यहाँ लाइट नहीं आ रही, आगे चलते हैं। तो अब चल रहे हैं हम आगे आगे आगे, देखिए यहाँ पे हम लोग गेट क्रॉस कर लिया, आगे देखिए कितना बड़ा कोई पार्क है। कराची में तो पार्क स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे देखिए पार्क के पे पार्क के अंदर पार्क के अंदर पार्क के अंदर पार्क, लाहौर इतना छोटा है लेकिन इतना पार्क कितने बड़े बड़े हैं। हम साथ साथ आए हैं शायद, साथ साथ तो हो नहीं रहे, हम दूर दूर चल रहे हैं मेरे मुझसे। यहाँ पर ठंड की बात कर लें तो यहाँ पर ठंड जो थी काफ़ी 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 ज़्यादा थी। कराची में तो ठंड का पता नहीं चल रहा था, हम कॉल पे बात कर रहे थे घर वालों से, तो वो लोग बोले थे हुई यहाँ तो ठंड हो गई है कराची में, तो हमने बोला अब वहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है मेरी तो कुर्पी जम रही है।
और इन्हें तो ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड में भी ठंड नहीं लग रही थी, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो एक टी शर्ट में घूम रहे थे यहाँ पे, नहीं घर में, लेकिन मुझे तो टी शर्ट में बाहर भी नहीं जाया जा रहा था, इतनी ज़्यादा कोई ठंड थी। अब हम लोग फिर से आगे जा रहे थे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। यहाँ पे एक कपल भी आया हुआ था, ब्राइड और ग्रूम थे, तो उनकी भी फ़ोटो शूट हो रही थी। मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, उनको इशू होता है इसलिए, तो इसलिए मैंने कहा आप इग्नोर मारें, आपको इग्नोर मारते हैं हम। वो देखिए सामने पापा खड़े हुए हैं और एक अंकल खड़े हुए हैं, वही पापा के दोस्त। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं लाइब्रेरी में, वो बंद करके चले गए अंकल, शिट। और फिर पापा ने इनसे बोल के खुलवा दिया, थैंक गॉड। तो अभी हम थोड़ा बहुत ये भी शूट कर लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ उसका लिखा हुआ है और देखिए सारे नाम के साथ मेंशन हुए हुए हैं सारी चीज़ें। और वहाँ पे देखें ये मुझे दिखा रहे हैं, ये देखें ये इस चीज़ का है, ये उस चीज़ का है, मुझे भी देखने रहा। ये देखें आप ऊपर खुद ही पढ़ सकते हैं, सारा उर्दू में लिखा हुआ है, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। बनाते वक्त की चीज़ें भी इसमें पिक्चर कैप्चर हुई हुई हैं, बनाने के बाद की भी हुई हैं, बनाने से पहले की भी हुई हैं, ऐसा ही कुछ है। तो अभी 2 मिनट के लिए हम खामोशी कर लेते हैं, तो आप लोग सुकून से देख लें। ये जो सारा सामान, ये जो सारी इमारतें हैं, ये ऐसे रेडी हुई थी, ये पत्थर है, वो बता रहे थे मिट्टी है, और ये देखिए संगमरमर टाइप का, संगमरमर है और टाइल्स वगैरह जो भी हैं। और ये जो है, ये जो लोहे की रखी हुई है, ये इसकी रॉड्स हैं जो दीवारों में इसमें डलती हैं, सलाखें कहते हैं, रॉड्स कहते हैं, जो भी कहते हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि देखिए इससे तैयार किए, और माशाल्लाह अभी तक मजबूत है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। और साइड में एक पत्थर रखा हुआ है, शायद मैं वो भी दिखाऊं वीडियो में, हाँ वो रहा, वो देखिए इस पत्थर से वो सारे जो कमरे थे छोटे छोटे से दिखाए थे ना आपको, बहुत सारे, वो सारे कमरे इस पत्थर से बनाए गए थे। चले आगे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर जा रहे थे जहांगीर के टाउन में, यहाँ पे उनका मकबरा था, तो हाँ मकबरा था। तो यहाँ पे हमें कहते कि आप स्लीपर्स शूज़ वगैरह उतार दें अपने, विदाउट शूज़ के जाए अंदर। तो हम स्लीपर उतार रहे थे और उसके बाद हम मूव करके पापा कह रहे लोग, मैंने तो स्लीपर पहनी हुई थी, शूज़ नहीं, देखो मैं तो ईजिली अंदर चला गया, इसलिए हंसते हुए जा रहे थे वो देख के, सबसे पहले चले गए। तो खैर अब हम लोग जा रहे हैं, एक तो मेरे हस्बैंड के शूज़ उतर के ही नहीं देर से जो हम लोग अंदर जाए, खैर उतर के चल चुका है। अब हम लोग अंदर मूव कर रहे हैं, जाके दिखाएंगे आपको क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, और कैसा कैसा है, कैसा कैसा है, कैसा कैसा। तो ये गेट है, और गेट भी माशाल्लाह इतने बड़े 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 हैं, और क्या कहते हैं उसको, चौखटें भी बड़ी बड़ी हैं। तो ये देखिए सामने इनका मकबरा है, और पूरा संगमरमर से बना हुआ है, और बड़ी ही शांति है यहाँ पर, सुकून, शांति, बहुत शांति, सुकून है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ आयतें भी लिखी हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आप लोग भूल ना हो। देखा
बस फिर अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, और बाहर की तरफ जाकर हम लोग अब बस थोड़ा सा बाहर की तरफ जाके पिक्चर्स वगैरह ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वापस बाहर चले जाएंगे यानी कि घर की तरफ जाएंगे। तो लेकिन अभी तो हम मूव कर रहे हैं बाहर, और ये शूज़ वगैरह पहन ले फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके, क्योंकि बहुत 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 ही बड़ा था और अभी हमने इसका आधा भी नहीं घूमा था। ये इतना बड़ा पार्क था, हमने इसका आधा पार्क भी नहीं घूमा था। उन्होंने कहा कि ऊपर जाके भी आप व्यू देख सकते हैं, जाके देखना चाहे तो देख लेंगे, ऊपर जाएगा जाते जाते ही थक जाएगा। बहुत अच्छा आता लेकिन हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत चल रही थी मैं, और मैंने स्लीपर कुछ ऐसी अजीब सी शर्ट पहनी थी, यानी वो दूसरी वीडियो में है शायद, पर लेकिन पैरों में बहुत दर्द हो गया था, कहाँ से चलते हुए आता हूँ, मुझे चलने की आदत नहीं थी। और ये कहते देखो भाई कितना नाइंसाफ़ी है, कितने बड़े बड़े दरवाजे रखे हुए हैं लोगों ने अपने, और एक हमारे दरवाजे देखो इतने छोटे छोटे से। तो यहाँ पे हमने कहा चले हम बैग खड़े हमें पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ, तो पिक्चर वगैरह क्लिक हो गई थी हमारी, हम लोग आगे जा रहे थे पिक्चर्स वगैरह के लिए। तो चार वो यही बात कर रहे थे पिछली दफ़ा आए थे के साथ अपने छोटे भाई के साथ, चलो तुम्हारे साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर तो सक रहे हैं, अब समरी के साथ पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहा चले, खैर हो गई भाई, भाई के साथ भी कर सकते हैं पिक्चर वगैरह क्लिक। तो ये देखें आप सारा देख लिया होगा, आपने समझ गए होंगे क्या है कैसा है कैसा है। वो आंटी चली गई थी अपनी पूंछ उन पे बात करने के लिए, उनकी कॉल वॉल आ गई थी तो वो भी रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पर आ गई थी बड़े से ट्री के साथ पिक्चर्स क्लिक करने, ये कोई बहुत ही बड़ा था, इसके सामने छोटे से बोने से लग रहे थे, ये ऊपर खड़े हुए थे नीचे उतर के गए तो और छोटे से लग रहे थे, तो वहाँ पे इनकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी मैंने, मैंने अपनी भी क्लिक करवा ली। इसके बाद फिर अब ये क्या चीज़ हो रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे ये कौन से परिंदे चील कौवे तोते कबूतर, ना वो चील कौवे थे ना वो कबूतर थे। तो ये हम कहाँ पर आए हुए थे, हाँ जहांगीर और शाहजहाँ, नूरजहाँ, जहांगीर और नूरजहाँ का क्या था ये टॉम था, हाँ। तो फिर यहाँ पे बस हम लोग आए हुए थे, तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी हम घर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या खाएंगे क्या क्या पिएंगे और बाकी चीज़ें भी इसके साथ मैं एडिट कर दूँगी। तो अब इतना हंस के तो व्लॉग तो रिकॉर्ड करना था ना, उधर से नहीं उधर से है, ये नीम का पेड़ है ना, और शायद नहीं नीम नहीं है, कितना घना है, बाकी कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, मुझे वही उस वक्त ही है। चले शो आले इधर ऊपर से ही चलते हैं, ये चलो नीचे नीचे से ही चलते ओके। यहाँ पे थोड़ी सी हम अपने टिकटॉक शिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हुए, और लाइट्स ऑफ माशाल्लाह। तो ये था मेरे मेकअप की फाइनल लुक, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगी ऊपर कहीं ना कहीं वीडियो, तो वहाँ से देख लेगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी ठीक है। तो वहाँ पे तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा था क्योंकि लाइट थोड़ी कम थी, यहाँ पे देखिए लाइट के साथ कितना प्यारा लग रहा है मेकअप, लाइट से मेकअप हुआ हुआ है। बाय बाय। तो अभी अब हम लोग जा रहे थे वापस बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ।
तो बस बाहर की तरफ जा रहे थे, अभी एक गेट आएगा उसके बाद हम उधर से बाहर निकलेंगे, फिर लास्ट गेट आएगा फिर उससे बाहर निकलेंगे। सामने दिख रहे हैं वो एक गेट आएगा, उसके बाद फिर एक और गेट आएगा। तो बहुत ही कोई पैदल चलना था। उसके बाद जो गेट, इसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे ना चार गेट टॉम से, ये देखें अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद फिर सामने भी एक और बहुत आगे जाना पड़ता, फिर लेफ्ट में भी राइट में, तो बहुत ही बड़ा कोई पार्क था ये, मुझसे तो उतना नहीं चला गया। तो आधे से भी कम हमने देखा होगा ये, और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलते हैं आगे 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 और दिखाते हैं आगे भी आप लोगों को और भी बहुत कुछ। और अगर आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं आगे, वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप लोग। और अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग, बहुत मुश्किल से एडिट करते हैं, ओ बहुत थक जाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है बहुत। सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आके वीडियोस देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो चीज़ थी बड़ी ही कोई यम्मी डिलीशियस मज़े वाली थी, पापा ने खिलाई थी, इसका नाम कुछ मीठा पकौड़ा नहीं तो नहीं ऐसा कुछ था, बड़ा ही अच्छा नाम था, नाम मैं भूल गई इसका। तो अगर लाहौर जाएँ तो ये ज़रूर खाएं। मैं अगर आप लोगों को इसका नाम जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका नाम पता करके। और अगर किसी को इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी ना ये तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्राइवेट डी बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी वीडियो की। पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है आज। तो चलिए चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।